हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाओ, है ना। और हम जो है राजस्थान टीचर कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, यानी कि सब्जेक्ट है, वो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिसमें हमने सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने पाइथन पढ़ा है, उसके बाद हम अभी जावा पढ़ने वाले हैं। इनके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पाइथन के, सी के, है ना। और जावा आज हमारा पूरा हो जाएगा। जावा हमने इससे एक पहले वाली क्लास, यानी कि डे 12 के अंदर भी हमने जावा पढ़ा था, और आज है आपका डे 13, जिसके अंदर हम जो है जावा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका जावा हम कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसमें आपका क्या क्या रह जाएगा वो देखो। देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारा है, तो आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा चीजों के पीछे भागोगे, बहुत डिटेलिंग के पीछे भागोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पाइथन हमने पढ़ लिया है, डेटा टाइप्स में ऑलरेडी आपको जो है सी में, सी प्लस प्लस में सभी के रूल्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सभी के। स्कोप ऑफ वेरिएबल हमने देख लिया, ऑपरेटर की प्रिसिडेंस हमने देख ली, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, फंक्शन एरे पॉइंटर सब पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन हम जावा में यूज भी नहीं करते, ठीक है, सी प्लस प्लस में होता है, जो कि हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। उसके बाद है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन, आर्गुमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अभी जो आपके दो टॉपिक बचे हैं, ये है आपका .NET, ठीक है, एक है आपका AI, एक है आपका मशीन लर्निंग। तो ये जो तीनों के तीनों टॉपिक हैं वो कल की क्लास में पूरा हो जाएगा, और ये जो आपका सेकेंड जो चैप्टर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वो आपका कल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि जो आपको उप्स के जो है फीचर्स बताने हैं, ठीक है, उप्स के फीचर्स आपको जो है सी प्लस प्लस के बताने हैं और जावा के बताने हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। तो आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो भाई सीरियस हो जाओ, पता चले आपने जावा की ही 10-12 घंटे की क्लास ले ली, तो फिर जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको स्मार्ट तरीका करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऐसे क्लासेस लो और फिर उसी क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम से पहले भैया घोट डालो। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो लेने के बाद ये है कि भाई आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है किसी भी हाल में, ताकि जो है आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपके ऊपर धब्बा लगा है कि भाई कुछ कर नहीं रहे हो, तो आप एक सरकारी नौकरी में उसको कन्वर्ट करके अपने जो है घर वालों का, प्लस जो आसपास के लोग जो आपके ऊपर काफी सारे लंबे समय से ताने कस रहे थे, उससे आप छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। अब जो है डे 12 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सी प्लस प्लस जावा के अंदर मैंने सबसे पहले आपको डिफरेंस बताया था कि भैया इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और जावा में ऐसा क्या अलग है ना। तो ये जो डिफरेंस है ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लाइक सी सी प्लस में डिफरेंस, पाइथन सी प्लस प्लस में डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो डिफरेंस ही आ जाते हैं, और आप जो है इतनी डिटेलिंग पढ़ते हो इतने, उससे वो फिर कोई फायदा नहीं रहता, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट। उसके बाद फिर हमने जो है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का सिंटेक्स भी देखा था और जावा का भी देखा था। फिर हमने पढ़ा भैया जावा है क्या, पढ़ तो रहे हैं, जावा होती क्या है, इससे क्या यूजफुल है, हमें कुछ काम की चीजें देगी तभी तो पढ़ेंगे, बिना फालतू कौन पढ़ेगा, है ना। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना वैसे किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत देर में भी लोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम पढ़ेंगे तभी हमें एक सरकारी नौकरी, एक सिक्योर जो है हमारा फ्यूचर जो है देके जाएगा, ठीक है। तो कोई भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, कि भैया जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा की फीचर्स क्या है, जावा को हम यूज क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, 4 तरीके की आपकी जावा एप्लीकेशन होती है, स्टैंड लोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बाद हमने कमेंट्स पढ़े थे, सॉरी जावा का सिंटेक्स देखा था कि जावा का सिंटेक्स एक्चुअल में होता क्या है, सेमी कॉलन क्यों यूज करते हैं, कॉलन क्यों यूज करते हैं, और जो है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो और आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो जावा का कोड है उसको कंपाइल करने के बाद वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में। जावा के जावा में आपका कंपाइलर भी यूज होता है, एज वेल एज आपका जो है इंटरप्रेटर भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। जावा कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक बार में जो है रन करेगा, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाई लाइन करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ पैरामीटर्स हैं फर्स्ट प्रोग्राम के, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वर्ड क्या है, मेन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल क्या है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज की जाती है, प्रिंट डेल का क्या मतलब है, सिस्टम डॉट आउट ये सारी चीजें, ठीक है, और एंड करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या यूज करते हैं, साइन बोर्ड। उसके बाद हमने जावा में कमेंट्स देखे थे। देखो आपने सी में भी कमेंट्स देखे, सी में भी आपने कमेंट देखे, सी प्लस प्लस में भी देखे, पाइथन में भी देखे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सी के कमेंट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, सी प्लस प्लस के कैसे लिखते हैं, पाइथन के कैसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जावा, ठीक है। जावा में आपकी एक चीज और ऐड हो जाती है, ठीक है, एक तो आपका सिंगल लाइन, एक आपका मल्टी लाइन, ठीक है, और एक आपका जो है डॉक्यूमेंट टाइप जो है यहाँ पर, एक और जो है कमेंट यहाँ पर एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल, मल्टी और डॉक्यूमेंटेशन। तो सिंगल आपको पता है डबल स्लैश, फिर मल्टी में वही है एक एक स्टार एक डैश, ठीक है, फिर जो है आपका स्लैश स्टार और स्लैश, इस तरीके से मल्टीपल लाइंस। देखो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, तो कई लाइन कई सारी लाइन में आपका कमेंट आ गया तो आपका मल्टी लाइन हो गया, एक सिंगल लाइन में आता है तो आपका सिंगल लाइन। जावा डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जावा डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका जो है जैसे मल्टी लाइन है वैसे लिखना है, बस क्या करना है कि ऊपर की साइड जो है एक स्टार को और एड ऑन कर देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो भाई। इसके बाद है जावा प्लेटफॉर्म एडिशन। हाँ जी, इससे पहले का तो हम पूरा कर चुके थे, अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका जावा प्लेटफॉर्म एडिशन। तो टोटल कितने होते हैं भाई, चार। ये भी हम कर चुके थे, ये भी मैंने कल वाली क्लास में आपको करवा दिया था, फटाफट कुछ रिवाइज कर लो। जावा स्टैंडर्ड एडिशन जिसको हम जावा एस सी कहते हैं, जावा एंटरप्राइज एडिशन जिसको जावा ई कहते हैं, जावा माइक्रो एडिशन, ठीक है, और लास्ट है आपका जावा एफ एक्स। ये जो है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन लाइट वेट यूजर इंटरफेस एपीआई होती है, ठीक है, तो चारों के चारों याद कर लेना। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका कंपोनेंट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, जावा प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम इन ह्यूमन रीडेबल। जावा प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को राइट करते हैं ताकि जो ह्यूमन है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से समझ सके। भाई कोई भी चीज है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्लास लेने का कोई भी फायदा नहीं है, है ना। तो भाई जावा प्रोग्रामर जो है वो राइट करता है ताकि ह्यूमन जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसी को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है कि जो ये आपका सोर्स कोड होता है, जो ये आपका सोर्स कोड होता है, ये आपका कौन सा कोड होता है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में होता है जो कि ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल होता है, रीडेबल होता है, ह्यूमन बीइंग इसको आराम से समझ सकता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन उठ के आते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि क्या चीजें आ गई हैं, तो आपको हर एक पॉइंट हर एक लाइन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे आपका देयर फॉर द सीपीयू और चिप्स नेवर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपका सीपीयू है, ये सीपीयू क्या है, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ब्रेन है आपका, किसका, कंप्यूटर के सिस्टम का, है ना। जैसे हमारे अंदर हमारे पूरी बॉडी में हमारा दिमाग ही तो है, कहते ना सेंस ऑफ ह्यूमर, ब्रेन, किसी का कोई तेज होता है, किसी का दिमाग, किसी का थोड़ा कम होता है, तो पूरी कहानी वही है, ठीक है। कहते ना ये तो बड़ा तेज है, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा सुस्तू है, तो वो सारी चीजें वो ब्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। जब नेवर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, जो आपका सीपीयू है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि जो आपका ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है उसको नहीं समझता, ठीक है। जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपका सीपीयू अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सीपीयू आपका कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। दिस कंप्यूटर चिप जो है अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, जिसको हम मशीन लैंग्वेज या कोड कहते हैं, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में, यानी कि सिर्फ इन दो अक्षरों को समझता है, जीरो और वन, ठीक है। अब इसके आगे कितनी भी जीरो लगा दो, वन लगा दो, या फिर 1001, इस तरीके से सभी जो है वो अलग अलग कुछ कुछ कोडिंग बना रखे। मशीन कोड रन एट अ सीपीयू लेवल, देयरफॉर इट वुड बी डिफरेंट मशीन कोड अदर मॉड्यूल्स ऑफ सीपीयू, है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पे कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका जावा डेवलपमेंट किट, है ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी फुल फॉर्म के ऊपर कि भैया इसका जो है जेडीके की फुल फॉर्म क्या है, जेडीके क्या होता है। तो जेडीके आपका क्या है,
सॉफ्टवेयर जावा डेवलपमेंट किट है। जेडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज फॉर मेकिंग एप्लेट्स एंड जावा एप्लीकेशन, है ना। तो जेडीके आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करवा रहे हैं। सॉफ्टवेयर सभी को पता है, हार्डवेयर सभी को पता है, अगर आपको ये टर्म्स पता है ना तो आप इन लाइंस को बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो द फुल फॉर्म ऑफ जेवीके सभी को पता है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपर्स कैन यूज इट ऑन विंडो, भाई इसको विंडो पे भी यूज कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स और लिनक्स। जेडीके हेल्प देम टू कोड एंड रन जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब कोड को जेडीके जो है वो हेल्प करता है कोड को और रन करने के लिए जावा प्रोग्राम में, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू इंस्टॉल मोर देन वन जेडीके वर्जन ऑन द सेम कंप्यूटर, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये जावा डेवलपमेंट किट होती है जिसको आप क्या करते हो, डाउनलोड करवाते हो, इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका वाई, भाई क्यों हम डाउनलोड करें। इससे पहले हमने सी देखा, सी प्लस प्लस देखा, हमने भैया पाइथन देखा, लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ कोई रूल नहीं था कि भैया किसको डाउनलोड कर लो या कुछ ऐसा कर लो कि भैया आपका प्रोग्राम वो होगा, ठीक है। तो अब आता है यूज, क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जेडीके जो है वो आपका क्या होता है, एक टूल होता है, क्या है, एक टूल है जो रिक्वायर्ड टू राइट जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं जेआरई टू एग्जीक्यूट देम, और जेआरई उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सभी को पता है एग्जीक्यूट करना क्या होता है, इट इंक्लूड अ कंपाइलर, इसमें क्या होता है आपका कंपाइलर इंक्लूड होता है, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर, एप्लेट वीवर ईटीसी, कंपाइलर कन्वर्ट कोड रिटन इन जावा कोड इनटू बाइट कोड, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर कंपाइलर आपका इसको क्या करता है, बाइट कोड में चेंज कर देता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी जिसको आप इजीली समझ पाओगे। जावा एप्लीकेशन लॉन्चर ओपन है जेआरई, लोड द नेसेसरी क्लास एंड एग्जीक्यूट द इट्स मेन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपका सिंपल प्रोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, सोर्स कोड में लिखा हुआ है। फिर मैंने इसको क्या किया, कंपाइल किया, भैया कंपाइलर का यूज किया और इस कंपाइलर ने इसको क्या कर दिया, बाइट कोड में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया, जेवीएम आ गया, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, इसमें आपका विंडो, मैक ऑफ, लिनक्स और फिर आपका मशीन कोड आ गया, ठीक है, समझ में आया। यहीं पर जो आपका जेडीके होता है जो आपका इसको वाइट कोड में कन्वर्ट करवाता है। नेक्स्ट है आपका जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन क्या कहती है। तो जावा वर्चुअल मशीन, अभी आपने देखा कि भैया बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद हम जेवीएम का यूज करते हैं, ठीक है, और इंटरप्रेटर का भी यूज किया जाता है। तो इज इंजन दैट प्रोवाइड, जैसे इंजन होता है ना किसी भी गाड़ी का, तो एक इंजन है जो प्रोवाइड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट, एक रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा जावा कोड और एप्लीकेशन। इट कन्वर्ट द जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, भाई जो आपको बाइट कोड में ऊपर से जो आपको बाइट कोड में डाटा मिल रहा था वो इसको क्या करेगा, यहाँ पे जेवीएम जो है उसको क्या कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है भाई, कोई डाउट हो तो पूछना, है ना। कंपाइलर प्रोड्यूस मशीन कोड फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, जावा कंपाइलर प्रोड्यूस कोड फॉर अ वर्चुअल मशीन नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, जेवीएम जो है वो आपको एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप सभी को पता है कि जावा जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट जो है लैंग्वेज है, जबकि आपका सी प्लस प्लस क्या है, डिपेंडेंट। तो एग्जीक्यूट जावा सोर्स कोड, कहीं पर भी हम इसको इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब एक मशीन पे आपने प्रोग्राम बनाया दूसरे पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और इजीली काम हो जाएगा। इट हैज न्यूमरस लाइब्रेरीज टूल्स एंड फ्रेमवर्क, वंस यू कैन रन अ जावा प्रोग्राम यू कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड सेव लॉट्स ऑफ टाइम। समझ में आया, जस्ट मैंने बोला कि भाई आप कहीं पर भी बनाओ और कहीं पर भी उसको रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए। तो जेवीएम कम विद जेआईटी, ठीक है, जेवीएम जो है वो कहां से थे, जेआईटी यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर दैट कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू लो लेवल मशीन लैंग्वेज, हेंस इट रन फास्टर देन रेगुलर एप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल मशीन, जावा डेवलपमेंट किट ये हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जेआरई क्या होता है, ठीक है। आपने जावा डेवलपमेंट किट में जेआरई यूज किया था, तो क्या है ये, तो जेआरई एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है रन अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट कंटेन द क्लास लाइब्रेरीज, ये क्या कंटेन करता है, क्लास की लाइब्रेरीज को, लोडर क्लासेस को एंड जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन।
सिंपल टर्म्स, इफ यू वांट टू रन अ जावा प्रोग्राम, अगर आपको सिंपल टर्म की बात की जाए, ये आपका एक जावा प्रोग्राम है और जिसको आप क्या करना चाहते हो, रन करना चाहते हो. यू नीड, आपको क्या चाहिए, जेआरई चाहिए. बिना इसके आप उसको जो है रन नहीं कर सकते. इफ आर नॉट अ प्रोग्राम, अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं हो, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल जेडीके बट जस्ट जेआरई टू रन जावा प्रोग्राम. ठीक है, अगर आप जो है प्रोग्रामर नहीं हो तो आपको जो है जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जेआरई जो है वो रन करना पड़ेगा जावा प्रोग्राम में. ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं भैया, तो जे आर ई कंटेन क्लास लाइब्रेरीज, किसको कर रहा है, क्लास की जो लाइब्रेरीज हैं उनको, वो है इसके इंक्लूड, जेवीएम है, अदर सपोर्टिंग फाइल्स हैं. इट डज नॉट इंक्लूड एनी टूल और जावा डेवलपमेंट लाइक अ डिबगर, इसमें आपका डिबगर नहीं है, कंपाइलर ईटीसी. इट यूज इंपॉर्टेंट पैकेज लाइक क्लास, क्लास में जो आपका मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले लगाते हो, स्विंग, यूटिल, लैंग्वेज, AWT एंड रन टाइम लाइब्रेरीज. ठीक है, इसके बाद है आपका इफ यू हैव टू रन जावा एप्लेट्स, अगर आप जो है जावा एप्लेट्स को रन करते हो, देन जेआरई मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, तो जेआरई जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए. तो व्हाट इज बाइट कोड इन जावा एंड इट्स वर्किंग, कि बाइट कोड क्या होता है और ये किस तरीके से काम कर रहा है. अभी आपने देखा ना कि भाई एक नॉर्मल प्रोग्राम को मैंने क्या कंपाइलर लगा के किसमें कन्वर्ट किया, बाइट कोड. तो क्या है बाइट कोड, ठीक है, तो बाइट कोड इन जावा एज ए इंटरमीडिएट मशीन डिपेंडेंट कोड है ना, एक इंटरमीडिएट मशीन डिपेंडेंट कोड है जो कि आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जावा वर्चुअल मशीन है. इट एक्ट्स प्रीटी सिमिलर टू असेंबलर इन C++, जैसे असेंबलर जो है आपका C++ में होता है कि भाई आपने जो है प्रोग्राम लिखा और फिर यहाँ पर आकर आपका जो है असेंबलर आता है. असेंबलर आपका क्या करता है, जो आपके मिनिमोनिक्स होते हैं लाइक आपका एड, आपका सब्ट्रैक्ट, मतलब जो आपका इंग्लिश जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसको इस तरीके की लैंग्वेज में ब्रेक कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है. तो वैसे ही बाइट कोड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज का, यानी कि असेंबलर का. समझ में आया, ठीक है, असेंबलर इन सी++. जाना बाइट कोड इज अ कोड दैट लाइज बिटवीन, ये जो कोड है यानी कि जो बाइट कोड में जो भी आपका कोड है वो आपका ना तो हाई लेवल लैंग्वेज कोड है ना ही वो आपका लो लेवल लैंग्वेज कोड है, वो दोनों के बीच का कोड है, यानी कि लो भी है और आपका हाई भी. ठीक है, क्लियर है भाई. एंड बाइट कोड इज अ कोड दैट लाइज बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल. बाइट कोड इज नॉट प्रोसेस्ड बाई द प्रोसेसर, इट इज प्रोसेस्ड बाई द जावा वर्चुअल मशीन. किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा. ठीक है, तो वर्किंग ऑफ जावा आप देख लो, यहाँ पे आपका जावा प्रोग्राम आ गया, सोर्स कोड, फिर कंपाइलर, ये बाइट कोड आ गया, और ये कोड आपका कौन सा है, ये आपका ना ही आप इसको जो है हाई लेवल कोड यानी कि सोर्स कोड बोलोगे, ना ही आप इसको लो लेवल कोड बोलोगे, इन दोनों के बीच का है. ठीक है, फिर आपका जेवीएम, फिर आपकी मशीन कोड. तो प्रोग्राम आपके को जो है आप प्रोग्राम डॉट जावा फाइल में करते हो जो आपके रिटर्न होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कंपाइलर जो है वो जावा फाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, क्लास फाइल में. ठीक है, क्लास लाइब्रेरीज वगैरह आपकी कहाँ पर होती हैं, जेआरई में. ठीक है, तो कंपाइलर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाइलर जो है वो आपका क्या करता है, तो डॉट जावा फाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉट क्लास फाइल में. या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि बाइट कोड किस में कैसे होता है. ठीक है, तो बाइट कोड आपकी क्लास फाइल होती है, ये वाली जो क्लास फाइल है आपके बाइट कोड है जो आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करती है. वी कैन रन डॉट क्लास फाइल इन एनी अदर प्लेटफॉर्म, इस डॉट क्लास फाइल को आप कहीं पर भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. जेवीएम जो है वो रन करता है बाइट कोड को, जावा वर्चुअल मशीन है वो किसको रन करती है, जो आपका बाइट कोड आपको मिला है उसको रन करेगी विदाउट कंसिडरिंग अ प्रोसेसर, बिना किसी प्रोसेसर को कंसिडर करे ये जो है बाइट कोड को क्या करती है, जो है रन करवाती है. मशीन कोड जो है वो आपका मशीन जनरेटेड ऑन मशीन कोड इन विच द बाइट कोड इज रनिंग, दैट मीन इट्स ऑन मशीन डिपेंडेंट कोड टू रन द डॉट जावा फाइल. ठीक है, ओनली एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग द बाइट कोड इज द इंस्टॉलेशन ऑफ बेसिक जावा इन एनी प्लेटफॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप. जैसे हमने जो है जावा में सॉरी सी में सी प्लस प्लस में हमने जो है पाइथन में डेटा टाइप पढ़े थे, वैसे ही हम फटाफट यहाँ पर भी देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है. तो भाई अब आपके जो है वही दो तरीके के डेटा टाइप हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में आपका कैर, बाइट, शॉर्ट, लिंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, ये सब आ जाएगा. नॉन प्रिमिटिव में आपकी जो है क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे, ये सब आ जाता है. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो है आपके क्या जाएंगे, जावा जो है टाइप लैंग्वेज, इसमें आपको वेरिएबल्स, ये सारे आपके टोटल क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका DSSSB के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहां पर पूछा था कि टोटल आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो टोटल आपके कितने होते हैं, 8. तो इम्पॉर्टेंट है, जहां पर इम्पॉर्टेंट करवा रहे हो उसको इम्पॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो
कि भाई जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उसको हमने एट बाइट एट टाइप्स में कैटेगराइज, दैट इज बूलियन, बाइट, कैट, शॉर्ट, इंट, ठीक है, फ्लॉट, ये सारे आ जाएंगे, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए, 8। अब देखो डेटा टाइप को दो पार्ट्स में, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फिर आपका बूलियन, बूलियन आपका क्या करता है, ट्रू फॉल्स में करता है, नुमारी को अगेन करेक्टर और इंटीजर पार्ट में, अगर करेक्टर में आपका कैर आ जाएगा, इंटीजर में आपके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट याद आएंगे, इंटीजर में आपका बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग आ जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आपके फ्लोट एंड डबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बूलियन में आपकी जो है ट्रू फॉल्स वैल्यू, बाय डिफॉल्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है कि बूलियन में आपकी बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, फॉल्स, ठीक है। फिर करेक्टर जो है आपका दो बाइट का ये वाला रहेगा, बाइट आपका 0, यहाँ पे 1 बाइट, शॉर्ट में आपका 0, 2 बाइट, इंट में आपका 0, 4 बाइट, ठीक है। लॉन्ग में जो है इस तरीके से 0L, 8 बाइट, फ्लोट में 0.0F, 4 बाइट, और डबल में आपका 8 बाइट, ठीक है। तो बूलियन डेटा टाइप तो आपका क्या है, अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है, अगर आपको 0 मिल रहा है तो आपको फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, अगर 0 के अलावा कोई भी आपको मिल रहा है तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, ठीक है। दो ही पॉसिबल वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर बूलियन 1 है तो इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बूलियन डेटा, बाइट डेटा, बाइट बाइट डेटा टाइप, आप में आपको सभी को पता है बाइट में आपकी कितनी बिट्स होती है, 8 बिट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी जो साइज हो गया वो क्या हो गया, -128 से लेके 127 के बीच में वैरी करता है, और जो है यहाँ पर डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या होगी, 0, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 127 होगा, मिनिमम -128, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बाइट a=10, बाइट b=-20, इस तरीके से ले सकते हो। शॉर्ट में जो है आपका क्या होता है, 16 बिट रहती है, सो शॉर्ट डेटा टाइप में। तो यहाँ पर जो इसकी रेंज है वो -32768 से लेके +32767 तक रहती है, और वही बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी, और मिनिमम मैक्सिमम आप सभी को पता है इन डेटा टाइप का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल 4 बाइट होता है। तो टोटल बिट कितनी आ जाएंगी भाई, 1 बाइट में आपकी 8 बिट होती है, इसलिए जो है यहाँ पर बिट आपकी कितनी आ जाएंगी भाई, 32। जैसे आपके जो है बाइट में 8 बिट आ गई थी, शॉर्ट में आपकी 2 बाइट थी तो 16 बिट आ गई थी, और इंट में आपकी 4 बाइट थी तो यहाँ पर 32 आ गई, ठीक है, 8 जो 32। तो 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, इसकी वैल्यू रेंज देखो भाई, -2^31 से लेके 2^31-1, ठीक है। और इस तरीके से मिनिमम ये और मैक्सिमम ये, डिफॉल्ट आपका 0, ठीक है। फिर लॉन्ग डेटा टाइप आपका अगेन जो है वो आपको क्या आ जाएगा, 64 बिट, यानी कि 8 बाइट होती है तो टोटल आपका 64 आ जाएगा, और 2^63, 64 है तो 2^60 जो है माइनस 2^63 से लेके जो है +2^63-1, ठीक है। अगर हम अब ये फ्लॉट डेटा टाइप की बात करें तो फ्लॉट डेटा टाइप में टोटल 32 बिट हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका अनलिमिटेड, और द फ्लॉट डेटा टाइप शुड बी यूज फॉर प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज प्रिसाइज वैल्यू सच एज करेंसी, इज डिफॉल्ट क्या होता है आपका 0.0F, ठीक है, इस तरीके से। फिर है डबल डेटा टाइप, इसमें 64 IEEE 754, और यहाँ पर जो है डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल के लिए डी, प्लॉट के लिए एफ, ठीक है। तो D1=12.3, कैरेक्टर जो है आपका 16 बिट का होगा यहाँ पे, और जो है आपका यूनिकोड करेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भैया जो आपका सी और सी प्लस प्लस हो या फिर आपने पाइथन पढ़ी थी, तो वहां पर जो आपका कैर का साइज था, अभी तक हम कैर का साइज 1 बाइट पढ़ते आए थे, एकदम जो है जावा में कैरेक्टर का साइज जो है वो 2 बाइट आ गया। अब क्यों आ गया आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है ये पूछा जाएगा आपसे, पूछा जा भी सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भैया इसकी जो रेंज है वो /0 0 4×0, ठीक है, U 4×0 से लेके जो है U F F और F तक रहती है, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इसमें जो है इतने करेक्टर जो है वो आप सब स्टोर करते हो, कैर लेटर a=a, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे y जो है, हम जो है जावा में करेक्टर का जो साइज है वो 2 बाइट यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया जावा जो है आपका यूनिकोड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, यूनिकोड सिस्टम है, ASCII कोड सिस्टम, द /U 0 0 इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ यूनिकोड सिस्टम, टू गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट यूनिकोड, ठीक है,
तो इसलिए जो है यूनिकोड हम यूज कर रहे हैं, एस्काई कोड सिस्टम हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैरेक्टर में आपका क्या यूज होता है, 2 बाइट। ठीक है, तो यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल। अब यूनिकोड होता क्या है, तो सबसे पहले देखो यूनिकोड जो है वो आपका यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेक्टर एंड कोडिंग दैट इज कैपेबल रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिटन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्काई देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको फुल फॉर्म यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर ISO, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। ISO 8859 ये आपका वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज है, ये आपका रशिया है और ये आपका चाइनीज। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेटर्स इन द वेरियस लैंग्वेज स्टैंडर्ड एंड कोडिंग फॉर लैंग्वेज विद लार्ज करेक्टर सेट हैव वेरिएबल लेंथ, सम कॉमन करेक्टर आर एनेबल्ड इन अ सिंगल बाइट। ठीक है, सिंगल बाइट में मुश्किल हो रहा था, इसलिए सॉल्यूशन जो है इसका क्या निकाला कि यूनिकोड सिस्टम हमने यूज किया, इसमें हमने 2 बाइट यूज की, मैक्सिमम लोवेस्ट वैल्यू ये है और आपके हाईएस्ट वैल्यू ये है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए जो है यूनिकोड को जो भी जो आपका स्काई था, ये सारे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं जिससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ कि भैया हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जावा आइडेंटिफायर, यानी कि रूल्स हैं आपके, जैसे हमने सी में, सी प्लस में देखे थे, पाइथन में देखे थे, वैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि स्पेशली मेंशनड है और भाई सारी चीजें हमने की हैं, तो भाई हम जो है सभी के अकॉर्डिंग जो है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूल्स देखेंगे। अब देखो वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाई विद यूनिक नेम, सभी को पता है यूनिक नेम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। कुछ रूल्स है, फटाफट मेरे साथ रिपीट कर दो क्योंकि भाई इतनी क्लास में बार 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 रिपीट करके अब तो आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे कि भैया रूल्स क्या है। ठीक है, तो नेम कैन कंटेन, नेम में आपका लेटर आता है, डिजिट आती है, यानी कि 0 to 9 डिजिट आ जाएगी, अंडरस्कोर आ जाएगा और डॉलर का। अब यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाती है आपकी डॉलर की, इससे पहले वाले में हम जो है अंडरस्कोर तक, यानी कि लेटर डिजिट अंडरस्कोर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका डॉलर भी आप यूज कर सकते हो। नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, नेम जो है वो आपका किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से। ठीक है, जो आपका नेम है वो आपका लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेकिन जो है आपका वाइट स्पेस मतलब स्पेस देके आप नहीं कर सकते। नेम कैन ऑल्सो बिगिन विद, नेम जो है वो आप किसी डॉलर से या फिर जो है अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वी विल नॉट यूज इट। ठीक है, फिर आपका नेम जो है वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो आपके जो कैपिटल जो है और जो आपके स्मॉल है उन दोनों को अलग अलग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो नेम है वो आपके क्या होंगे, केस सेंसिटिव, सभी के जो नेम है वो केस सेंसिटिव होता है, चाहे वो सी हो, सी प्लस हो, जावा या पाइथन। रिजर्व वर्ड जो है आप जैसे जावा के जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, लाइक इंट, बूलियन, इन सब का आप यूज नहीं कर सकते हैं नेम में, क्योंकि फिर कंपाइलर जो है वो इनको अंडरस्टैंड करता है, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो नेम जो है वो आपका लेटर डिजिट अंडरस्कोर और डॉलर हो सकता है, वाइट स्पेस आपके नहीं होंगे, आपका जो नेम है वो किसी लेटर से शुरू होना चाहिए, लोअर केस अपर केस जो है आपका जो है वाइट जो है लोअर केस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो है वाइट स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जावा के अंदर, तो भैया यूनरी ऑपरेटर, अर्थमैटिक, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर, अर्थमैटिक, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इन सभी की जो है प्रेसिडेंस यहाँ पर लिखी हुई है कि यूनरी ऑपरेटर जो है वो आपका पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, अब सभी को पता है यूनरी क्या है, जहां पर आप सिंगल ऑपरेंड पे जो है ऑपरेटर लगाते हो, यानी कि जैसे आपने ए प्लस प्लस अगर आपने जो है सी में या सी प्लस प्लस आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने प्रोग्रामिंग की है अपने कॉलेज टाइम पे, तो हम फॉर लूप में क्या करते थे भैया कि आई इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई जो है प्लस प्लस, इस तरीके से करते थे। तो आई प्लस प्लस ये जो है सिंगल ऑपरेट, सिंगल ऑपरेंट में हम क्या लगा रहे हैं भाई, जो है ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आई को मैंने जो है जमा कर दिया, आई को मैंने माइनस कर दिया, जमा घटा वाला, तो ये जो है पोस्टफिक्स यानी कि बाद में ऑपरेटर आ रहा है, प्रीफिक्स यानी कि पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपका यूनरे है यानी कि सिंगल जो है ऑपरेंट पे लगाना। फिर आपका अर्थमैटिक, जिसमें आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये सारी जो इनकी जो प्रेसिडेंस है ना उसी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। इसकी प्रेसिडेंस क्या है, बराबर है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस बराबर है,
डिवाइड के बराबर है मॉडुलस, ठीक है। और ये जो है आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, चार ऑप्शन आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, और बोलेगा कि प्लस और मल्टीप्लाई बराबर है, और फिर जो है आपका जमा और डिवाइड बराबर है, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बराबर है, चार ऑप्शन इस तरीके से देगा। तो आपको क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए किसके कौन कौन से बराबर वाले स्टेज में आते, तो जैसे प्लस माइनस बराबर है, प्लस जो है मल्टीप्लाई डिवाइड बराबर है, ठीक है। फिर आपका शिफ्ट, शिफ्ट में जो है इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आप करवा सकते हो। रिलेशनल में आपके कंपैरिजन आ जाएंगे कि लाइक ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके से, ठीक है। फिर इक्वालिटी में अगर आप ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू, है ना, तो इस तरीके से। फिर आपका जो है देखो कंपैरिजन में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्टेंस ऑफ, ये सारे बराबर हैं। इक्वालिटी जो है वो आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो है कंपैरिजन से इक्वालिटी वाला नीचे आता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस किस का लेवल बराबर है। फिर आपका बिटवाइज एंड, बिटवाइज ओर, ये आपका एक्सोर आ जाएगा और ये आपका नीचे वाला क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है लॉजिकल एंड हो जाएगा, लॉजिकल और हो जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर आपका क्या होता है, जिसमें आपके जो है तीन ऑपरेंड यहाँ पर यूज किए जाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड यूज किए जाते हैं, यूनरी में आपका एक यूज किया जाता है, टर्नरी में आपके जो है तीन यूज किया। असाइनमेंट में आपका प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू जो है मॉडुलस इक्वल टू एम परसेंट इक्वल टू, ये वाला, ये सब, ठीक है। फिर आपका है जावा यूनरी ऑपरेटर नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है कि भैया जो है इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग हम यहाँ पर करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप इस तरीके से एग्जांपल से समझो। एग्जांपल यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि नहीं, एग्जांपल से जो है आपको एक क्वेश्चन जो है मिल जाएगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखा है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्स प्लस प्लस किया, ठीक है। अब देखो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इससे आपको इसके आउटपुट पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। कैसे, अब मैंने x में डाला 10, x में मैंने क्या डाला 10 डाला, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में मैंने x प्लस प्लस किया, यानी कि s की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर जो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी वो आपकी 10 प्रिंट होगी। हमेशा याद रखना वैल्यू प्रिंट होने के बाद आपका एड होता है, अगर आपका ऑपरेटर जो है वो बाद में लगा है, ठीक है। प्रिंट हुआ 10, लेकिन यहाँ पर जो है जब नेक्स्ट पे, जैसे नेक्स्ट आपने क्या किया प्लस प्लस, जैसे ही ये प्रिंट हुआ वैसे ही आपकी वैल्यू बन गई 11, ठीक है। फिर आपने प्लस प्लस एक्स किया, जैसे ही जो है प्लस, अगर आपका ऑपरेटर जो है आपको पहले लगाने हो तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रिंट से पहले आपकी आउटपुट जो है आपके आउटपुट में प्लस वन इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू हो चुकी थी 11, तो यहाँ पर जो आपको प्रिंट मिलेगा, प्रिंट यहाँ पर 10 हुआ और यहाँ पर नेक्स्ट वाले में प्रिंट हुआ 12। अब नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल आपका क्या है, x माइनस माइनस क्या है, बाद वाला ऑपरेटर, पीछे ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि भैया वैल्यू तो प्रिंट होगी 12, लेकिन प्रिंट होते ही इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 11, और नेक्स्ट जो है वो आपका अगेन जो है माइनस एक्स एक्स है, कि भैया पहले माइनस हो रहा है देन जो है प्रिंट होगा, तो भाई यहाँ पर आपको प्रिंट होगा 10, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रिंट हुआ आपको 10, फिर हुआ 12, फिर हुआ 12 और फिर हुआ 10, समझ में आया। तो ये इसके आउटपुट आ सकते हैं, और इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट है आपका जावा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि भैया देखो यहाँ पे ए प्लस प्लस किया, फिर प्लस किया प्लस प्लस ए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया ए प्लस प्लस किया तो आपका क्या हुआ 10, क्योंकि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले आपका 10 प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस ए है, तो यहाँ से प्रिंट होते ही वैल्यू क्या बन गई 11, फिर प्लस प्लस था तो पहले वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो 10 और 12 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी प्लस प्लस है, बी की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अब जो है वैल्यू क्या हो गई 11। अब नेक्स्ट देखो बी प्लस प्लस अगेन जो है प्लस प्लस पीछे है, तो भाई वैल्यू तो प्रिंट आपकी 11 होगी, 11 प्रिंट होती है आपकी वैल्यू हो जाएगी 12, लेकिन अब जो है मुझे दोनों का सम करना है तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया इस तरीके की अगर आपको आउटपुट पूछे तो भैया इसकी आउटपुट आएगी आपको 22 और इसकी मिलेगी 21। समझ में आया इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सके, इसलिए जो है विद एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं कि बाय चांस अगर आपको आउटपुट निकालने के क्वेश्चन आए तो आप जो है एकदम देखते ही ना सोचो और प्रोग्रामिंग आ गई है ना, तो प्रोग्रामिंग से डरना नहीं है, क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगेशन और नॉट वाला, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ ए करना है आपको, तो
माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विद स्टार्ट जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ बी करेंगे तो यहाँ पे माइनस 10 है, तो जीरो से करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आपको सी में क्या प्रिंट होना है, नॉट। तो भाई यहाँ पर वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, तो अपोजिट इसका प्रिंट हो जाएगा यानी कि फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू फॉल्स थी तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थमैटिक ऑपरेटर्स। अर्थमैटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी ए और बी का एड है, तो 10 और 10 जमा में 5 दैट इज 15। फिर नेक्स्ट है आपका ए माइनस बी, भैया जमा किया तो 15, घटाया तो 5, फिर मल्टीप्लाई किया तो 10 और 5 जैसे 50, और डिवाइड करेंगे तो जो है 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, सभी को पता है भाई, इतना ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। फिर आपका नेक्स्ट है आपका इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि 10 × 10। फिर जो आपको प्रिसिडेंस अगर पता है तो आप यहाँ पर आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 10 × 10 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट प्रिसिडेंस होती है, तो पहले जो आ जाएगा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व कर देते हैं, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100, फिर डिवाइड बाई 5, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 20। ठीक है, 20 जमा में 3 माइनस, अब देखो जमा वाले को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले यहाँ से इसके ऊपर बैठे हैं, तो जो है 1 × 4, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 20 जमा में 3 माइनस में 4, और फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 20 जमा में 3 माइनस 2, तो 20 और 3 23, 23 में से 2 गए तो 21, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 21। क्लियर है भाई, आंसर क्या मिल जाएगा, 21। फिर है जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट में आपको पता है इस तरीके से, ठीक है, फिर राइट शिफ्ट जो है यहाँ पर राइट शिफ्ट, पहले लेफ्ट शिफ्ट दे रखा है, सारे लेफ्ट शिफ्ट देखो, फिर आपका जो है ये सारे आपके लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में आपका क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट करवाते हो तो क्या होती है मल्टीप्लाई, और राइट शिफ्ट करते हो तो क्या होता है डिवाइड। ठीक है, तो 10 × 2, तो 2 की पावर 2, अब देखो यहाँ पे 3 थी तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3, यहाँ पे 2 था तो 2 की पावर 2 आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो 10 × 2 × 2 की पावर 2 कर दो, या फिर डायरेक्ट 2 × 2 कर दो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 दैट इज 8, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 80, फिर जो है 2 की पावर 2 दैट इज 40, सॉरी 4 और 4 की फिर 80, और फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 = 16, और फिर 15 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे 240। ठीक है, तो ये था आपका लेफ्ट शिफ्ट। अगर इसी में राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड। राइट शिफ्ट में क्या होता है, डिवाइड। ये चीज आपको याद रखनी है कि भैया जब भी आपसे लेफ्ट शिफ्ट पूछे, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, और राइट शिफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, जमा। तो देखो 10 दो बार कर दो, यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4, और 10 को मैं डिवाइड करूंगी तो आपको क्या मिलेगा, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आपका 20, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4, यहाँ पे आपको मिला 5, फिर 2 की पावर 3 दैट इज 8, और 8 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे बता रखा है, 20 को 2 से करोगे तो ये क्या हो रहा है, आपका राइट शिफ्ट हो रहा है, तो 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी कि 20 से 2 की पावर 2 करोगे तो 4, यानी कि यहाँ से मिल गया आपको 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपकी क्या है, 3, तो यहाँ पे देखो 4 नेगेटिव नंबर चेंज पैरिटी बिट MSB टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो -20, 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, -5, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एंड और लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ए इज लेस देन बी, अब ए की वैल्यू क्या है, देखो ए क्या है, 10 इज लेस देन बी, सही है, बिल्कुल सही है, बी यानी कि सॉरी गलत है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। फिर ए इज लेस देन सी, ए जो है वो सी से क्या है, छोटा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो एंड लगा रखा है, एंड लगा रखा है, तो भाई फॉल्स एंड, एंड के साथ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, तो फॉल्स और ट्रू मिलके क्या बनाएंगे, फॉल्स। अगर दोनों की इनपुट आपके ट्रू ट्रू होगी तभी आपका आउटपुट ट्रू मिलेगी, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट मिलेगी फॉल्स। नेक्स्ट में क्या बोला है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी आपको क्या मिला, फॉल्स, और ए इज लेस देन सी, अच्छा लॉजिकल दो बार, हाँ, तो दोनों में आपको आउटपुट सेम मिलेगी भाई,
ठीक है, दोनों में आपका आउटपुट सेम मिलेगा क्योंकि हम लॉजिकल एंड और बिटवाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो है आपका एंड ऑपरेटर एग्जांपल एंड और बिटवाइज एंड, तो ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखो और वाला, बिटवाइज और वाला, तो यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ए इज लेस देन सी, ये भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रू। तो नेक्स्ट आपका ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी आपका क्या है, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू। फिर जो है आपका ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी ट्रू है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये सभी को पता है आपको ना। टर्नरी ऑपरेटर देख लो भाई, ए जो है वो दो है, बी जो है वो पांच है, ए इज लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है ना, तो ए जो है वो क्या है, बी से छोटा है, सही है। फिर जो है कंडीशन ए कॉलन बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ए इज बी, ठीक है, कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई। जावा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट वही है, इक्वल टू माइनस टू, ये सब कर लोगे, है ना, ये सब कर लोगे। फिर एडिशन, अब देखो जावा कीवर्ड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है आपका जावा कीवर्ड। जैसे हमने सी में पढ़ा था, सी में आपके टोटल जो है वो कितने कितने कीवर्ड थे, फटाफट आंसर कर दो, सी में कितने कीवर्ड्स थे, सी प्लस प्लस में कितने थे, और पाइथन में आपके जो है कितने कीवर्ड्स आपने यूज किए थे, मुझे बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सी में टोटल कितने कीवर्ड हैं, सी प्लस प्लस में कितने हैं, इस तरीके से। ठीक है, कमेंट करो भाई फटाफट। हाँ जी, अब जावा के कीवर्ड देखो, सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका क्या होता है कि नॉन एसेस मॉडिफायर होता है, जो हम क्लास और मेथड में यूज करते हैं अब्स्ट्रैक्ट का। अब्जेक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टू असेट इट इज मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका इसमें यूज नहीं होता। असेट जो है वो आपके डिबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि असर्ट जो है वो आप क्यों यूज करते हो जावा के अंदर, तो किस लिए यूज करते हैं, डिबग यानी कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए। बूलियन जो है वो आपका जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ब्रेक जो है वो आपका लूप या स्विच ब्लॉक के लिए। बाइट जो है वो आपका डेटा बाइट दैट कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम -128 टू, अभी हमने देखा बाइट में आपका क्या होता है, 8 बिट होती है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका केस जो है, ये क्या करता है, मार्क ब्लॉक ऑफ कोड इन स्विच स्टेटमेंट। कैच जो है वो आपका एक्सेप्शन जनरेटेड बाय ट्राई स्टेटमेंट। कैर जो है वो आपका जो है क्या करता है, डेटा टाइप दैट इज यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। क्लास जो है वो डिफाइन करती है किसी भी क्लास को। कंटिन्यू जो है वो नेक्स्ट इंट्रेशन ऑफ लूप। कॉन्स्ट जो है सभी वही आपको पता है कि कॉन्स्टेंट के लिए। डिफॉल्ट जो है वो बाई डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो रहा है। डू जो है डू वाइल लूप आप जो है यूज यहाँ पर यूज करते हो। डबल आप सभी को पता है होल नंबर। फिर एल्स में जो भी आपकी कंडीशनल पार्ट है यानी कि ट्रू वाला जो है फॉल्स वाला ना प्रिंट हो गया, एल्स वाला पार्ट हो जाए, इफ वाला प्रिंट ना हो गया। ठीक है, डिक्लेयर एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट अ पैकेज फॉर द मॉड्यूल। ठीक है, फिर एक्सटेंड करते हो क्लास को। फाइनल कीवर्ड भी आपको एक कीवर्ड होता है। ठीक है, तो नॉन असेस मॉडिफाई यूज फॉर क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड विच मेक दैम नॉन चेंजेबल। फाइनली यूज विद एक्सेप्शन अ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फिर आपका फ्लॉट और लूप क्रिएट करने के लिए गो टू जो है नॉट इन यूज हैज नो फंक्शन। इफ जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। मल्टी इंप्लीमेंट जो है इंटरफेस के लिए। इंपोर्ट जो है वो पैकेज को इंपोर्ट करते हैं क्लास और इंटरफेस। इंस्टेंस ऑफ चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लास और इंटरफेस। ठीक है, तो इंट जो है वो आप यूज करते हो सभी को। अभी हमने जस्ट ये सारी हमने देखी है किसका क्या क्या साइज होता है। इंटरफेस के लिए डिक्लेयर स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। लॉन्ग आपको अभी पढ़ा है हमने। मॉड्यूल डिक्लेयर अ मॉड्यूल। नेटिव जो है वो आप यूज करते हैं। स्पेसिफाई दैट इज मेथड इज नॉट इम्प्लीमेंट इन सेम जावा सोर्स फाइल। न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हो। पैकेज जो है वो डिक्लेयर करते हो पैकेज को। असेस मॉडिफायर यूज फॉर एट्रीब्यूट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर मेकिंग दैम ओनली असेसिबल विद इन द डिक्लेयर क्लास। ठीक है, प्रोटेक्टेड आप यूज करते हो टू असेस मॉडिफायर यूज फॉर एट्रीब्यूट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर मेकिंग दैम असेसिबल इन द सेम पैकेज और क्लास। पब्लिक आप यूज करते हो क्लासेज एट्रीब्यूट मेथड कंस्ट्रक्टर मेकिंग दैम असेसिबल बाई अदर क्लास। रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इनसाइड द मॉड्यूल। रिटर्न
शॉर्ट स्टैटिक स्ट्रिक्ट एफपी जो है ये आप रेस्ट्रिक्ट करते हो प्रिसीजन एंड राउंडिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है। सुपर क्लास जो है ऑब्जेक्ट और स्विच जो है वो आप स्विच करवाते हो सिंक्रोनाइज्ड, फिर दिस का आप यूज करते हो करंट ऑब्जेक्ट हुआ मेथड और कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दिस की वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया है, तो ये रेफर करता है आपका जो भी करंट ऑब्जेक्ट है इन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। थ्रो जो है वो आपको क्रिएट करता है कस्टम एरर, थ्रोज जो है वो आपका इंडिकेट करता है एक्सेप्शन, ये चीज आपको याद रखनी है, कस्टम एरर को क्रिएट करता है या आपका एक्सेप्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ट्रांजिएंट जो है वो आपका नॉन असेस मॉडिफायर होता है और जो आपका स्पेसिफाई करता है एट्रीब्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेसिडेंट स्टेट। ट्राई जो है वो क्रिएट करता है ट्राई, वेयर जो है वो आपका डिक्लेयर करता है वेरिएबल, वॉइड जो है वो आपका स्पेसिफाई करता है मैथड शुड नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू, वॉलेट जो है वो आपका इंडिकेट करता है एंड एट्रीब्यूट इज नॉट कैश थ्रेड लोकली, ठीक है। वाइल जो है वो वाइल लूप को क्रिएट करता है, तो यहाँ पे जो है वो आपके ट्रू फॉल्स एंड नल जो है वो आपके कीवर्ड नहीं है, ठीक है। कीवर्ड नहीं है क्या है, आपके लिटरल्स हैं जो आपके रिजर्व वर्ड हैं, दे कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर, ट्रू फॉल्स नल नहीं है लेकिन बट ये आपके आइडेंटिफायर हैं जो कि आप जो है पर लिटरल्स हैं जो कि आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितनी चीजें मैंने आपको करवाई हैं एक भी लाइन एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जहां से अभी तक क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। और जितना करवा रही हूँ इतना बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत कम है लिमिटेड है लेकिन इतना भी कर लोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट जो है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस ओनली जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड करता है, तो डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेंबर आल्सो। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड डज नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता लेकिन इंटरफेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा जो है वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल नॉन फाइनल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका फाइनल नॉन फाइनल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, क्या प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रोवाइड करता है इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको प्रोवाइड नहीं करता एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में जो है यूज इंटरफेस कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यूज करोगे वहाँ पर इंटरफेस करोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो आपकी एक्सटेंड करती है अनदर जावा क्लास को एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस, ठीक है। लेकिन इंटरफेस जो है वो एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंडेड यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड, यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं और इंटरफेस जो है वो आपका इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करता है, किसका यूज करता है इंप्लीमेंट का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंटरफेस में जो है आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, कई बच्चे इंटरफेस ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर इंप्लीमेंट आ जाएगा और अगर एब्स्ट्रैक्ट में पूछे तो आप यूज करोगे एक्सटेंड का, किसका एक्सटेंड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव क्लास मेंबर्स लाइक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रहते हैं और यहाँ पर जो है सिर्फ बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक रहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका पब्लिक नहीं है, आपका जो है बीटा मेंबर्स क्या है प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है, लेकिन मेंबर्स ऑफ जावा इंटरफेस आपके पब्लिक, ठीक है। ये था आपका पूरा जावा, क्योंकि भाई अगर आप जावा जावा को पढ़ने लगे तो वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है वो है, लेकिन जितना मैंने आपको जावा प्रोग्रामिंग करवाई है वो आपके जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है सभी में आई हुई है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, कोई भी जो है ऐसी ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आई हो, एक एक लाइन को अच्छे से समझाया है एक्सप्लेन करके ताकि जो है आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसी कैसी चीजें आएंगी वो आपने यहाँ पर देख लिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर सब कुछ आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ताकि जो आपको टेंशन ना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि कोई भी जॉब या वैकेंसी आ रही है नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ हो रहा है या फिर क्लास का टाइमिंग बताना है, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो क्लास अच्छी लगी है तो कर दो और फिर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। और साथ में ही जो है अगर आपको लगता है कि भाई हाँ
हमारा जो है अभी जो हमारा प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो अब प्रोग्रामिंग में हमारे तीन टॉपिक रहते हैं डॉट नेट, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग। तो ये तीन टॉपिक रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में तीनों के तीनों टॉपिक में कवर करवा दूंगी, चाहे कितनी भी लंबी क्लास बने। कल वाली क्लास में तीनों टॉपिक कंप्लीट और आपका जो प्रोग्रामिंग वाला जो है वो आपका कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है और फिर हमें बाकी के सब्जेक्ट्स भी करने हैं, ठीक है। तो क्लास को बाइंड अप करते हैं। जो होमवर्क दिया है वो कर देना। अब यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ आपको कि भैया सी का बता दो, सी को किसने डेवलप किया था, कब किया था, और सी में जो है बस इतना ही बता देना कि किसने डेवलप किया था और कब किया था। ऐसे ही सी प्लस का बता देना और ऐसे ही पाइथन का बता देना और ऐसे ही आपका जो है जावा का बता। तो ये चार चीजें हैं, बहुत ही बेसिक से चीज पूछी है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। आई होप आप इतना तो जो है आप होमवर्क में बता सकते, ठीक है। ओके भाई, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।